हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं TCS के वेब मेल पे एक्सेस कैसे पाए, उसे ओपन कैसे करें। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो myapp.tcs.com। उसके बाद आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने अल्टीमेटिक्स का यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड इंडिया डोमेन के पासवर्ड से अलग होता है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे जब अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करोगे तो अल्टीमेटिक्स का पेज ओपन हो जाएगा। अल्टीमेटिक्स का पेज ओपन होते ही यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप से जाके अपना ऑथ कोड एंटर करके यहाँ से लॉगिन लेना है। अब मैं समझाता हूँ जो अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड और इंडिया डोमेन का पासवर्ड कैसे अलग होता है। जब आप अल्टीमेटिक्स में लॉगिन करके ना पासवर्ड मैनेजमेंट सर्च बॉक्स में सर्च करने के बाद जाओगे ना, तो वहाँ पे दिखाएगा चेंज इंडिया डोमेन पासवर्ड, चेंज अल्टीमेटिक्स पासवर्ड। तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है, तो हमेशा याद रखना जब आपको TCS का असेट आएगा ना तो वहाँ पे आपको अपना इंडिया डोमेन का पासवर्ड एंटर करना है, अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड नहीं। अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड हम बहुत कम यूज करते हैं, जब तक आप वेब मेल यूज कर रहे हो ना तब तक ही उसका यूज है। उसके बाद आप ऑथ कोड से कहीं भी लॉगिन ले सकते हो अल्टीमेटिक्स की जगह पे। अब जैसे आप यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप से ऑथ कोड एंटर करोगे ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होते ही यहाँ पे देखो ऑफिस 365 मेल है और भी ऑफिस लिब्रे ऑफिस रेटर है और एक्सचेंज मेल है। मेरे को एक्सचेंज मेल ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं एक्सचेंज मेल पे क्लिक करूँगा और एक्सचेंज मेल पे क्लिक करते ही फिर से एक लॉगिन पेज ओपन होगा। ध्यान से, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड बार बार एंटर करके अपना अकाउंट लॉक करवा लेते हैं। लेकिन अगर किसी का अकाउंट लॉक हो जाए ना तो मैं आई बटन में, ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ पे अपना वीडियो डाल दूंगा उससे अनलॉक कैसे करें। लेकिन ध्यान रखना जो लॉक ना हो, और यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर करना है और अपना इंडिया डोमेन का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ध्यान रखना इंडिया डोमेन का पासवर्ड। जब आप अपना यूजर नेम और इंडिया डोमेन का पासवर्ड एंटर कर दोगे उसके बाद फिर से साइन इन करना है और साइन इन करते ही हमारा मेल ओपन हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।